बुधवार को जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की गई। यह राष्ट्रीय ध्वज 100 फीट ऊंचा है और इसे बिजली की मोटर से संचालित किया जाता है। रेलवे स्टेशन परिसर में इस राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार फहराने के लिए जबलपुर सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पहुंचे। सांसद राकेश सिंह ने बटन दबाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और ध्वज को प्रणाम किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी और भाजपा नेता बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस दौरान सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज आन बान शान का प्रतीक है, इसकी सम्मान की रक्षा के लिए जान तक न्यौछावर करने का संकल्प रखते हैं। इस मौके पर उन्होंने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज जबलपुर वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर जबलपुर रेलवे स्टेशन में आज 100 फीट ऊंचाई का तिरंगा ध्वज फहराया गया है। तिरंगा ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी आन बान स्वाभिमान का प्रतीक है, शान का प्रतीक है। ये वो ध्वज है जिसके लिए न जाने हमारे कितने जवान सीमाओं पर खड़े होकर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। ये वो ध्वज है जिसकी शान के लिए आजादी में ना जाने कितने रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले हर यात्री को हमारे स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के दर्शन होंगे। और हम सब जब भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं, लहराते और फहराते हुए देखते हैं, हमारा मन गर्व से भर उठता है। ना पड़े तो हम देने से पीछे नहीं हटेंगे। और आज हमें गर्व होता है कि इसी तिरंगे को ध्यान में रखकर हमारी सेनाएं पाकिस्तान के भीतर घुसकर वहां के आतंकवादियों के अड्डों को तबाह करती हैं और वापस लौटकर आती हैं।